तो हेलो गाइस, आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ। तो गाइस, जिसके आपको पता होगा कि कल पबजी मोबाइल के अंदर एक न्यू इवेंट आया था जिसका नाम है ब्लड रिवन ट्रेजर नाम का। तो गाइस, उस इवेंट के अंदर अगर आपके पास ब्लड रिवन सीड्स अगर होता है आपके पास, तो आप जो स्क्रीट को ओपन कर सकते हो। और जिसके आपको पता होगा कि उस इवेंट के अंदर जो आपको फ्री में कैरेक्टर वाउचर मिलेगा। और गाइस, आपको ब्लड रिवन सीड्स जो आपको किस तरीके से मिलेगा, जिसके आपको पता होगा कि एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर अगर आप जाते हो उस ट्री के सामने जाने के बाद आपको जो ब्लड रिवन सीड जो वो आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में गाइस आपको 10 ऐसे लोकेशन के बारे में बताने वाले हूं। अगर आप उस लोकेशन के अंदर जाते हो तो आपको जो ब्लड रिवन सीड्स है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस लोकेशन के अंदर जाने के बाद आपको जो ब्लड रिवन ट्री है वो आपको देखने को मिलेगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को और एक चीज बता दूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ ऐसे लोकेशन के बारे में पता होगा जो आगे जाके मैं आप लोगों को बताने वालों। अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को यहाँ पर स्किप करके जा सके, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहला जो लोकेशन है उसके बारे में बताता हूँ कि आपको किस लोकेशन के अंदर जाने के बाद आपको जो ब्लड रिवन ट्री जो वो आपको देखने को मिलेगा। तो पहला जो लोकेशन है गाइस, यहाँ पर आपको आ जाना है जॉर्जिया पुल के इस साइड की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर आप जिससे आओगे यहाँ पर आपको एग्जैक्ट इसी लोकेशन के अंदर आ जाना होगा। तो यहाँ पर आप जिससे आओगे यहाँ पर आने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ब्लड रिवन जो ट्री है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसी के सामने चले जाना है। तो यहाँ पर सामने जाने के बाद गाइस आप जैसे ही उस बटन के ऊपर प्रेस करोगे, आपके बैकपैक के अंदर ब्लड रिवन जो सीड्स वो आपको मिल जाएगा एक ही। तो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक चीज बता दूं, आप एक मैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लड रिवन सीड्स को एक ही बार कलेक्ट कर सकते हो, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। तो अभी गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरे लोकेशन के बारे में। तो गाइस, दूसरा जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको आ जाना है नोबो की इस साइड की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर आप जैसे आओगे इस एग्जैक्ट इसी लोकेशन के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको वो ट्री जो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको दूसरा जो ब्लड रिवन सीड्स वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है गाइस आप दूसरे जो ब्लड रिवन सीड्स को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ तीसरे लोकेशन के बारे में। तो गाइस, तीसरा जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको आ जाना है जो कि मिल्टा के इस साइड की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर आप जैसे मिल्टा के जो कि वेयर हाउस के सामने जैसे आओगे, आपको यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर वो जो ट्री वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जिसके आपको पता होगा कि जब फेडो जो इवेंट आया था, फेडो इवेंट आने के बाद हमारा जो चेयर था वो यहाँ पर भी शो हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा जो ट्री है वो यहाँ पर भी शो हुआ है। तो आप यहाँ से जो ब्लड रिवन सीड्स को जो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ चौथा लोकेशन के बारे में। तो गाइस, चौथा जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको आ जाना है जो कि स्कूल के पीछे की साइड की तरफ। तो गाइस, आप जैसे भी स्कूल के पीछे की साइड की तरफ आओगे, तो यहाँ पर आने के बाद ही आपको जो वो ब्लड रिवन जो ट्री वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे यूज बटन के ऊपर आप प्रेस करोगे, आपको जो चौथा जो ब्लड रिवन सीड्स जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चौथा ब्लड रिवन सीड्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ नंबर 5 लोकेशन के बारे में। तो गाइस, नंबर 5 के अंदर जो हमारा जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको आ जाने जो कि आप लोग यहाँ पर देख सो, यहाँ पर आपको प्रिमोक्स के इस साइड की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर आप जैसे प्रिमोक्स के इस साइड की तरफ आओगे, तो यहाँ पर आपको आने के बाद जो हमारा जो कॉफी शॉप है इसके सामने आपको वो ट्री जो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ से जो आप 5 जो ब्लड रिवन सीड्स जो उसको कलेक्ट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर भी और एक ब्लड रिवन सीड्स जो आपको मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको लोकेशन में कुछ भी अगर दिक्कत आता है, तो आप लोग इनको जो स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। जब भी आप गेम खेलते हो तो आप जो उस लोकेशन के अंदर जब भी जाओगे, तो आप वहाँ से ब्लड रिवन सीड्स को जो पेड़ से कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ 6 नंबर लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको आ जाए जॉर्जो सिटी के पीछे की तरफ। तो गाइस, अब जैसे जॉर्जो सिटी के पीछे की तरफ आओगे, तो यहाँ पर आने के बाद ही आपको वो जो नंबर 6 पर जो हमारा जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इस ट्री के सामने आपको आ जाना है। तो यहाँ पर भी आपको और एक ब्लड रिवन सीड्स जो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ नंबर 7 पर जो हमारा जो लोकेशन है उसके बारे में। तो गाइस, नंबर 7 पर जो हमारा जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको आ जाना है पोचिंकी के एकदम बीच की तरफ। तो गाइस, पोचिंकी के लोकेशन के बारे में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि पोचिंकी हॉटर पर बहुत सारे बंदे लोग यहाँ पर जाते, तो हो सकता है इसके बारे में आपको पता होगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो नंबर 7 का जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। और गाइस, यहाँ से आके आप ब्लड रिवन सीड्स जो इसको यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर नंबर 6-7 लोकेशन के बारे में गाइस मैं आप लोगों को बता दिया। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ नंबर 8 लोकेशन के बारे में। तो नंबर 8 पर जो हमारा जो लोकेशन है वो यहाँ पर है गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मिलिट्री बेस के एकदम बीच की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर आप जैसे बिल्डिंग
एकदम बीचों बीच आओगे तो बीचों बीच आने के बाद ही आपको जो नंबर 8 नंबर का जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर शो हो जाए। एग्जैक्ट इसी लोकेशन के अंदर आपको आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद ही आपको ब्लड रिबन ट्री जो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ से जब ब्लड रिबन सीड्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं नंबर 9 पर जो लोकेशन है उसके बारे में। तो गाइस यहाँ पर नंबर 9 के अंदर जो लोकेशन है वो यहाँ पर यसनाई के अंदर है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट इसी लोकेशन के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद ही आपको जो ब्लड रिबन जो ट्री वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ से जो आप ब्लड रिबन सीड्स को यहाँ से इजिली कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी गाइस मैं आप लोग को बता दूं एकदम लास्ट और आखिरी जो कि लोकेशन के बारे में। तो गाइस एकदम आखिरी जो लोकेशन है वो यहाँ पर है हमारे देख सो यहाँ पर जो रोजॉक के पीछे की तरफ जो कि आपको जो वेयर हाउस है उसके सामने वो जो ट्री वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जिसे उस ट्री के सामने जाओगे तो यहाँ पर आपको 10 लोकेशन के बारे में गाइस मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पर हर एक लोकेशन के अंदर आप जैसे ही जाओगे हर एक लोकेशन के अंदर जो आपको जो वो ट्री शो हो जाएगा, आप जो वहाँ से ब्लड रिबन सीड्स को कलेक्ट कर सकते हो और आपका जो इवेंट है वो बहुत ही इजीली कंप्लीट कर सकते हो। और गाइस और एक चीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो ब्लड रिबन जो टाइटल है वो आपको मिला है या फिर नहीं। मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मुझे जो ब्लड रिबन जो टाइटल है वो मुझे मिल चुका है। और गाइस अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो आपको उस टाइम तक वेट कर लो, आप यहाँ से जो भी सीड्स मिलते हैं उससे क्रेट को ओपन कर लो, ओपन करने के बाद ही आपको जो वो टाइटल जो वो आपको मिल जाएगा। तो यही था वीडियो के अंदर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सपोर्ट के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हो और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।